नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार 24। मैं आपको बता दूं, पिछले कई दिनों से जन सुराज के प्रशांत किशोर का मधुबनी में ठहराव रहा। यह ठहराव लगभग 45 दिन का रहा। इस दौरान उन्होंने मधुबनी के गांव-गांव, प्रखंड-प्रखंड, पंचायत-पंचायत घूमकर उनकी समस्याओं का जायजा लिया। इस मौके पर अंत में वे मधुबनी पहुंचे और मधुबनी में उन्होंने प्रेस का संबोधन किया। नमस्कार, आप सबका यहां स्वागत है। जन सुराज अभियान के तहत पिछले वर्ष 2 अक्टूबर गांधी भितिहरवा आश्रम से जो पदयात्रा हम लोगों ने शुरू की है, करीब करीब आज उसके 15 महीने हो गए हैं। पिछले एक महीने से मैं आपके जिले मधुबनी में हूं। इस पदयात्रा के दौरान पश्चिम चंपारण से चल के पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी होते हुए हम मधुबनी आए हैं और 29 तारीख तक मैं मधुबनी में हूँ। 29 तारीख को हम यहाँ से दरभंगा जाएंगे। पदयात्रा के दौरान जो मैंने मधुबनी में देखा, समझा, वो आपसे उस अनुभव साझा करना चाहते हैं और पूरे बिहार का भी अभी तक का जो अनुभव रहा है उस पर भी एक संक्षिप्त मैं टिप्पणी करूंगा, फिर आपके सवाल ले लेंगे। सबसे पहले तो जो पदयात्रा का उद्देश्य है वो तीन उद्देश्य है। पहला, मेरा अपना जो सामाजिक राजनीतिक अनुभव रहा है, बिहार को जितना मैंने जानने समझने की कोशिश की, मेरा अपना मानना है कि बिहार में अगर आमूलचूल परिवर्तन, सुधार लाना है तो किसी एक दल के राजनीति में, चुनाव में जीतने हारने से बिहार को नहीं सुधारा जा सकता है। क्योंकि बिहार में सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ के लोग जो देश में सबसे गरीब, सबसे पिछड़े, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी और भुखमरी के शिकार हैं, वो 5 बरस अपनी समस्याओं के बारे में बातचीत करते हैं, उस पर हल्ला हंगामा करते हैं, गुस्सा इजहार करते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन जब वो वोट देने जाते हैं तो अपनी समस्याओं को छोड़कर मूलतः 4 बातों पर बिहार में वोट पड़ता है। पहली बात कि हमारी जाति क्या है और हमारे जाति का उम्मीदवार कौन खड़ा है। दूसरी बात, धर्म की बात जो है, हिंदू मुसलमान, राष्ट्रवाद के नाम पर। और ये मैं आंकड़े के साथ आपको कह रहा हूं क्योंकि कई बार पत्रकारों को भी लगता है कि बिहार में हर चीज राजनीति में जाति के आधार पर ही होता है। इस बात में सच्चाई नहीं है। अगर सिर्फ जाति के आधार पर ही वोट पड़ता तो नरेंद्र मोदी जी को तो बिहार में वोट ही नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उनके जाति का तो यहाँ कोई नहीं रहता है। तो मेरा अपना आकलन यह है कि यहाँ एक बड़ा वर्ग है जो जाति के आधार पर वोट करता है, लेकिन करीब करीब उतने ही संख्या में लोग धर्म के आधार पर, राष्ट्रवाद के आधार पर भी वोट करने वाले हैं। तीसरा एक वर्ग है जो यहाँ पर लालू जी के डर से भाजपा को वोट करता है, और चौथा जो यहाँ के मुसलमान हैं जो भाजपा के डर से लालू जी को वोट करते हैं। बिहार की समस्या का मूल कारण, जड़ जो है वो यही है कि यहाँ पर लोग अपनी समस्याओं पर, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट नहीं करते हैं, इन 4 चीज पर ही वोट करते हैं। इसीलिए पदयात्रा का पहला उद्देश्य ये है कि गांव-गांव जाकर लोगों को ये बताया, समझाया जाए कि जब तक आप अपनी समस्याओं पर, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट नहीं करेंगे तब तक बिहार में सुधार की संभावना नहीं हो सकती है। दूसरा उद्देश्य ये है कि लोगों का कहना है कि भैया, अगर हमको अच्छे आदमी को वोट देना भी है, अपनी समस्याओं पर वोट देना है, तो हम वोट किसको दें, हमारे पास विकल्प नहीं है। तो पदयात्रा का दूसरा उद्देश्य ये है कि समाज की मदद से ऐसे लोगों को ढूंढकर निकाला जाए जो बिहार में एक नया दल, नया विकल्प बनाना चाहते हैं। और तीसरा उद्देश्य ये है कि अगर लोगों की समझ में बात आ जाए, उनके सामने एक सही विकल्प मिल जाए, उसको वो लोग चुन भी दें, तो भी बिहार में विकास संभव नहीं है जब तक उन लोगों के पास बिहार के विकास के लिए एक सोची समझी योजना ना हो। तो पदयात्रा का तीसरा उद्देश्य यह है कि बिहार के 8,500 पंचायतों का, हर पंचायत का अलग अलग अगले 10 वर्ष के विकास का योजना बने। जब मैं 1 महीने 1.5 महीने एक जिले में रहता हूँ तो हर एक पंचायत का यहाँ वो वहाँ की जमीनी स्थिति को समझ कर उसकी एक योजना बनाई जाती है,
वहां सड़क कैसे बनेगा, बिजली कैसे सुधरेगा, पानी कैसे सुधरेगा, वो तो है ही। साथ में हर पंचायत में तीन जो बातें हैं कि हर पंचायत में बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था अच्छी कैसे की जाएगी, हर पंचायत में 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएंगे, और वहां होने वाले खेती किसानी को बेहतर कैसे बनाया जाएगा, इन तीन बातों पर पूरे पंचायत की योजना बनाने के बाद ही हम लोग मधुबनी को खत्म करेंगे, बाहर जाएंगे। अब अभी तक इन तीन उद्देश्यों के साथ जो पदयात्रा हमने करी है उसमें करीब करीब 4000 गांवों में हम पैदल चलकर गए हैं। जो हमने देखा उस पर मैं टिप्पणी करूं, उससे पहले मैं मधुबनी के बारे में दो चार बातें बताना चाहता हूं। मधुबनी बिहार का सातवां सबसे गरीब जिला है। देश में प्रति व्यक्ति आय है 1,35,000 रुपये, बिहार में प्रति व्यक्ति आय है 34,000 रुपये, और मधुबनी में प्रति व्यक्ति आय है 22,000 रुपये। तो जब मधुबनी में आप आते हैं, कई लोग बताते हैं कि भैया ये विद्वानों की जमीन है। मैं गांव-गांव में घूम कर कह रहा हूं कि ये विद्वानों की जमीन कभी थी, आज ये मजदूरों की, गरीबों की जमीन है। ये सबसे सातवां सबसे गरीब जिला है। यहाँ पर जो समस्याएं हैं वो अन्य जिलों के मुकाबले, खासकर पलायन और कृषि की उत्पादकता जो है वो बिहार में सबसे कम है। गेहूं प्रति एकड़ जो यहाँ पैदा होता है वो बिहार के जिलों के मुकाबले भी मधुबनी में सबसे कम है। मधुबनी की एक और विशेषता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा जलकर है। 31,000 एकड़ जमीन यहाँ पर जहाँ पर पानी है, ये मधुबनी की सबसे बड़ी ताकत है और यही सबसे बड़ी कमजोरी भी है। मधुबनी में कुल 2,23,000 हेक्टेयर जमीन है खेती योग्य, उसमें 31,000 एकड़ जमीन है जो जलकर है, और उस जलकर का यहाँ पर 85%, मतलब 31,000 एकड़ जो जमीन है उसमें 85% जमीन जहाँ पानी लगा हुआ है वहां पर कोई काम व्यवसायिक या आर्थिक उपयोग का में नहीं लाया जा रहा है। तो मधुबनी की परेशानी की, गरीबी का एक बड़ा कारण जल का उपयोग न होना, जलकरों का उपयोग न होना है, जो क्योंकि ये यहाँ की सबसे बड़ी ताकत है। जो आप मछली मखान की बात करते हैं वो उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत है, जलकर बहुत है, तालाब पोखरे बहुत है, लेकिन रख रखाव के अभाव में जब सब वो बर्बाद हो गया है, 85% जलकर बिल्कुल व्यवसायिक एक्सप्लॉयटेशन के काम में नहीं लाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ मधुबनी में एक जो और बड़ी समस्या है जो बाढ़ और जल जमाव की, उसकी वजह से भी गरीबी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। अब पूरे बिहार में जो अभी तक हमने देखा और जो मधुबनी में भी कॉमन है, तीन जो सबसे बड़ी समस्या बिहार में दिखी, जो मधुबनी में भी दिखी, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है हमारी नजर में बेरोजगारी और पलायन। अब आप ये कहिएगा, भैया इसके लिए पदयात्रा करने की क्या जरूरत है, ये तो सबको मालूम है कि बेरोजगारी पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन जब हम लोगों ने पदयात्रा की तो इस बेरोजगारी और पलायन के आर्थिक और सामाजिक पहलुओं की समझ और इन समस्याओं की विकरालता की को देखा हमने। गांव के गांव जहां पर बाढ़ नहीं भी आता है, उन गांवों से भी 40 से 50% युवा बाहर चले गए हैं। और पलायन यहाँ पर सिर्फ गरीबों का मामला नहीं है, कई बार हमको आपको लगता है कि जो गरीब आदमी है वो मजदूरी करने के लिए बाहर जाता है, पलायन से यहाँ पर समृद्ध परिवार भी उतने ही इफेक्टेड हैं। जो गरीब आदमी है वो मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहा है, जो समृद्ध परिवार के बच्चे हैं वो पढ़ाई और नौकरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं। लेकिन बाहर तो हर आदमी को जाना है। इसका एक सामाजिक पहलू ये है कि गाँव में आपको बुजुर्ग मिल रहे हैं, 70 से 80% महिलाएं मिल रही हैं और छोटे बच्चे मिल रहे हैं, नवयुवक नौजवान गांव में है ही नहीं, और लोगों ने करीब करीब इसको जीवन की सच्चाई मान लिया है। परिवार की जो एक परिकल्पना है, माता पिता बाल बच्चे पति पत्नी साथ में रहने का, वो परिकल्पना ही धीरे धीरे खत्म हो गई है। मैं गाँव में जाता हूँ, लोग बताते हैं कि भाई ये 15 महीना से अपना घर परिवार छोड़कर चल रहे हैं, उनको इस बात का खुद का एहसास नहीं कि उनके परिवार के लोग जीवन भर साल में 11 महीना बाहर ही रहते हैं, उनको अपने पति के साथ, बच्चे के साथ, पिता के साथ रहने का सुख नहीं है। यही हाल कमोवेश बेरोजगारी का भी है। बेरोजगारी सिर्फ यहाँ पर गरीबों का मामला नहीं है,
जो समृद्ध परिवार हैं, जो बड़े किसान हैं, व्यवसायी हैं, वो भी रास्ते चलते हमको मिलते हैं और लोग 15,000-20,000 रुपए के नौकरी के लिए भी हाथ जोड़ने को तैयार हैं। जिसके पास 20 बीघे जमीन है, जो सो कॉल्ड यहाँ पर जमींदार है, वो भी अपने बच्चों के 20-25,000 रुपए नौकरी के लिए भी लोग हाथ जोड़ रहे हैं कि भैया कहीं नौकरी लगा दीजिए। तो बेरोजगारी और पलायन ये समाज के हर वर्ग को प्रभावित करने वाला मुद्दा है और मधुबनी में मुझे लगता है कि अभी तक जो मैं 11 जिलों में गया हूँ, सीतामढ़ी शायद इससे भी ज्यादा खराब है, लेकिन सेकेंड वर्स्ट 11 जिलों में मैंने मधुबनी की हालत देखी जहां तक पलायन का मामला है। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या यहां दिखी वो है शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त होना। बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, ये करीब करीब सब आदमी जानता है, इसमें नई कोई बात नहीं है। शिक्षा व्यवस्था यहाँ बहुत अच्छी बिहार में कभी नहीं थी, लेकिन हम खुद सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, साइंस कॉलेज में पढ़े हैं, लेकिन हर प्रखंड में, जिले में एक दो विद्यालय के बारे में लोग बताते हैं कि ये विद्यालय भैया अच्छा था, यहाँ से पढ़कर लोग आईएएस आईपीएस बनते थे, डॉक्टर इंजीनियर बनते थे। नीतीश कुमार के राज में पिछले 15-20 सालों में ये समतामूलक शिक्षा नीति बनाने के चक्कर में जो व्यवस्था थी उसको भी बर्बाद कर दिया गया। कई लोगों को, आपको, हमको ये लगता है कि शिक्षकों की गुणवत्ता एक बहुत बड़ा मामला है, उसकी वजह से शिक्षा व्यवस्था खराब हुई है। मैं मानता हूं कि ये सही बात नहीं है। अगर सिर्फ शिक्षकों की गुणवत्ता से शिक्षा व्यवस्था खराब होती तो साइंस कॉलेज में, पटना कॉलेज में क्यों पढ़ाई नहीं हो रही है? कुछ लोग बताते हैं भैया खिचड़ी बट रहा है इसलिए व्यवस्था खराब हो गई। नहीं, अगर खिचड़ी बट रहा है तो कॉलेज में तो खिचड़ी नहीं बट रहा है, वहां पर पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? पढ़ाई की व्यवस्था यहाँ इसलिए खराब हुई है कि पिछले 15-20-25 वर्षों में शिक्षा समाज और सरकार दोनों की प्राथमिकताओं से हट गया है। सिर्फ सरकार की गलती नहीं है, समाज की नजर में भी जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं वो खिचड़ी बांटने का, साइकिल बांटने का या डिग्री बांटने का सेंटर बन गया है। जिनको बच्चों को पढ़ाना भी है वो भी सरकारी विद्यालयों में उन्होंने नामांकन कराया है ताकि खिचड़ी मिलता रहे, साइकिल पोशाक का पैसा मिलता रहे, पढ़ाने के लिए वो किसी न किसी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों का नामांकन कराया हुआ है। अभी ये जो एक अधिकारी पाठक जी के कहने पर नई व्यवस्था बनाने जा रही है, इसका भी जमीन पर कोई बहुत सकारात्मक असर मुझे अभी तक नहीं दिखा है। लोग गांव देहात में जरूर बता रहे हैं कि शिक्षकों में डर का माहौल है, शिक्षक विद्यालय में आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कम से कम मुझे विद्यालयों में पढ़ाई की स्थिति सुधरती हुई नहीं दिखी। इसका एक दो और गलत चीज भले मुझे देखने को मिल रहा है, कई जगहों पर बालिकाएं जो हैं, लड़कियां जो हैं, वो बता रही थी खासकर मधुबनी के इर्द गिर्द जो कॉलेज में अटेंडेंस को अनिवार्य कर दिया गया कि अगर आप 80% आपका अटेंडेंस नहीं होगा तो आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे। अब बच्चियां ये बता रही हैं कि उनको अपने गांव से कॉलेज आने जाने में करीब 150-200 रुपए प्रतिदिन का खर्च है और घर वाले ये कह रहे हैं कि भैया इतना पैसा तो दे नहीं सकते हैं, नाम कटाना है तो कटा लो। तो कई बार जब अधिकारी पटना में बैठकर निर्णय लेते हैं उनको समझ में नहीं आती है कि जमीनी हकीकत इससे कितना अलग है। निर्णय तो ठीक लिया गया है कि 80% अटेंडेंस होना चाहिए, लेकिन उसका कुपरिणाम ये है कि हजारों की संख्या में गरीब परिवार के बच्चे जिनके पास कॉलेज आने का आर्थिक साधन नहीं है, उनके पास गाड़ी व्यवस्था नहीं है, वो नाम कटाकर पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हैं। मेरी समझ से शिक्षा व्यवस्था खराब होने के पीछे समाज और सरकार की उदासीनता है और ये समतामूलक शिक्षा नीति बनाने के नाम पर हर गांव, हर पंचायत में जो विद्यालय खोले गए हैं वो उसके पीछे कारण है। नतीजा ये हुआ है कि हर गांव में विद्यालय के नाम पर बिल्डिंग खोल दिया गया, जहां भवन है वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां भवन नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे नहीं है और जहां तीनों है वहां पढ़ाई नहीं है। तो कुल मिला जुला कर गांव देहात में लोगों का मानना ऐसा है कि बिहार में जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, विद्यालय जो है वो खिचड़ी बांटने का सेंटर है और कॉलेज जो है वो डिग्री बांटने का सेंटर है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। यही वजह है कि मैं हमेशा कहता हूं कि जब इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा तो नीतीश कुमार के राज में बिहार में शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त होने को उनके शासनकाल का सबसे काला अध्याय बताया जाएगा। ऐसा इसलिए कि कल होकर एक अच्छी व्यवस्था आ जाए
तो संभव है कि सड़क बन जाएगा, संभव है कि जलकर का उपयोग ठीक होने लगेगा, कृषि की उत्पादकता बढ़ जाएगी। लेकिन जो दो तीन पीढ़ियां इस ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गई, अब अगर कल कोई अच्छी सरकार आ भी जाए तो भी उनका जीवन सुधरने वाला नहीं है। बेरोजगारी, पलायन और शिक्षा के बाद जो तीसरा सबसे बड़ा मामला लोगों ने बताया वो है यहाँ किसानों के बदहाली का। किसानों के की जो बदहाली है उसके बारे में गांव देहात में लोग यही बता रहे हैं कि पहले के जमाने में जो खेती, आज से 15-20 साल पहले खेती करने वाले लोग थे वो बहुत समृद्ध नहीं थे, लेकिन 5 बरस 7 बरस 10 बरस खेती करके आप पैसा कुछ बचाकर 1-2 कट्ठा जमीन खरीदते थे। आज बिहार में किसानों की हालत ये है कि अगर आपके घर में कोई नौकरी नहीं करता है, कोई बिजनेस व्यापार नहीं है, 5 बरस आप खेती कीजिएगा, घर में कोई शादी हो जाए, कोई बीमार पड़ जाए, तो आपको 1-2 कट्ठा जमीन बेचना पड़ेगा। और किसानों की बदहाली के का जो तीन कारण मुझे समझ में आया, वो पहला कारण है यहाँ भूमि सुधार का लागू न होना। बिहार देश के बड़े राज्यों में शायद एक ही मात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 75 साल में जमीन सुधार, भूमि सुधार को लेकर कोई काम ही नहीं किया गया। यहां 1/3 से ज्यादा जमीन उसकी ओनरशिप को लेकर डिस्प्यूट है। ये जो दाखिल खारिज में आप घुसखोरी भ्रष्टाचार की बात सुनते हैं, इसकी एक वजह यह है कि पिछले 30-40 वर्षों में जमीन का लैंड रिकॉर्ड में इतना घालमेल कर दिया है कि लोगों को पता ही नहीं है कि किस जमीन का मालिक कौन है। आपके दादाजी परदादा के नाम पर ही अभी तक रसीद कट रहा है, अब उसको आप जा रहे हैं रसीद को अपडेट कराने तो कर्म उसमें दाखिल खारिज के नाम पर आपसे पैसा मांगा जा रहा है। तो भूमि सुधार के लागू न होने की वजह से 1/3 जमीन यहां पर डिस्प्यूटेड है, उसका मालिकाना हक लोगों को पता नहीं है। दूसरी जो बड़ी समस्या है वो जल संसाधन के कुप्रबंधन को लेकर है। बिहार में बाढ़ की बहुत बड़ी समस्या है, करीब 50% कृषि योग्य जमीन में बाढ़ की संभावना रहती है। इसकी चर्चा हम लोग बरसों से कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरा इसका पहलू है कि जो बाकी के बच गए 50% कृषि योग्य जमीन है, उसमें आधी जमीन या तो वहां सिंचाई की सुविधा नहीं है, वो सूखे की मार झेल रहा है, या जल जमाव भी का भी यहाँ बहुत बड़ा मामला है। जो नेपाल से लगते हुए जिले हैं वहां पर नदियों के कटाव का भी मामला है, नदी का रास्ता बदलता है, हजारों एकड़ जमीन बर्बाद हो जाती है। तो कुल मिला जुला कर जल संसाधन में जो यहाँ दिक्कत आई है, एक आंकड़ा मैं आपको देना चाहता हूँ, बिहार देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पिछले 10 वर्ष में सिंचित भूमि की मात्रा 11% से कम हो गई है। मतलब अगर 10 वर्ष पहले 100 एकड़ में सिंचाई की सुविधा नहर के द्वारा नलकूप के जरिए थी, तो रख रखाव के अभाव में वो घटकर 89 एकड़ रह गया है। ये भारत सरकार, बिहार सरकार का आंकड़ा है। तो भूमि सुधार का लागू न होना, जल संसाधन की व्यवस्था ठीक न होना, और तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है, किसानों के उनके उपज का दाम नहीं मिलना। एक आर्थिक सर्वेक्षण बिहार के किसानों पर है जो बताता है कि किसान यहाँ सारी परेशानी के बावजूद जो फसल उगाता है उसको उसका दाम नहीं मिलने की वजह से हर साल यहाँ किसानों को करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। जैसे मान लीजिए अभी धान की कटाई हो रही है, धान का आधिकारिक मूल्य 2100 रुपए से ज्यादा है, जबकि यहाँ पर किसान धान बेच रहे हैं 1600 रुपए 1700 रुपए में। पिछले साल आपने धान बेचा है 1400-1500 रुपए में। यही हाल कमोवेश सभी फसलों को लेकर है। बिहार में गांव देहात में भी लोग कहते हैं कि पंजाब में किसान बहुत समृद्ध है, तो मैं एक आपको आंकड़ा दे रहा हूं, पिछले 10 वर्ष में पंजाब में 70% धान और 75% गेहूं सरकारी समर्थन मूल्य पर किसानों ने बेचा है। बिहार में पिछले 10 वर्ष में 13% धान और 1% गेहूं ही समर्थन मूल्य पर खरीदा बेचा गया है। तो 30-40% कम कीमत पर लोग अपना फसल बेच रहे हैं, इसीलिए यहाँ किसानों का आर्थिक नुकसान जो प्रति वर्ष है वो करीब 20,000 करोड़ का है। इन तीन समस्याओं के बाद जो 4 केंद्र सरकार की बड़ी योजनाएं हैं, जो जमीन पर उसकी सच्चाई है,
केंद्र सरकार की सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें लाभार्थियों को 5 किलो अनाज देने की बात कही गई है। पूरे बिहार में जहां तक मैं अभी घूम कर आया हूं, लाभार्थियों को 5 किलो नहीं 4 किलो अनाज मिल रहा है। 1 किलो अनाज जो कि 20% की चोरी है, वो इसलिए है कि हर प्रखंड और जिले में प्रति क्विंटल 35 से 40 रुपए प्रति क्विंटल की दर से जन प्रतिनिधि और अफसर मिलकर पैसा ले रहे हैं, और ये प्रति माह जो पैसा 35 से 40 रुपए प्रति क्विंटल लिया जा रहा है, इसमें ज्यादातर जगहों पर विधायकों का भी 6 से 7 रुपए प्रति क्विंटल का हिस्सा बना हुआ है। चाहे विधायक किसी दल का हो, ज्यादातर विधायक 6 से 7 रुपए प्रति क्विंटल के दर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में अपना हिस्सा ले रहे हैं। दूसरी जो बड़ी योजना केंद्र सरकार की है, स्वच्छ भारत अभियान की, जिसमें आज से 2 बरस पहले ज्यादातर पंचायतों को ODF घोषित कर दिया गया। 4200 गांव चलने के बाद और आपके जिले में भी करीब करीब 1 महीने से गांव में चलने के बाद, मैं विश्वास से कह रहा हूं कि ज्यादातर गांव में खुले में शौच आज भी जीवन की सच्चाई है। और मधुबनी मुझे लगता है कि शिवहर और पश्चिम चंपारण के बाद सबसे ज्यादा खुले में शौच मुझे मधुबनी में दिखा। यहां पर हुआ ये है, सिर्फ मधुबनी नहीं, सारे जिलों में 12,000 रुपए के लाभार्थियों का जो राशि है उसमें 2,000 रुपया अफसरों ने लिया, 10,000 रुपया लाभार्थियों को दिया गया। एक ही शौचालय पर 4-4, 5-5 लोगों ने फोटो लगाया और उसको ऊपर भेज दिया, और पैसे का पूरा बंदरबांट हुआ है। बाद में अधिकारी और जनप्रतिनिधि दोनों ने मिलकर ODF का सर्टिफिकेट साइन करके जारी कर दिया। तीसरी जो केंद्र सरकार की बड़ी योजना है वो आवास योजना है। आवास योजना में लाभार्थियों को 1,40,000 रुपया मिलने की बात है। मुख्यमंत्री आवास योजना में लाभार्थियों को 1,19,000 रुपया मिलना चाहिए, लेकिन इस योजना के लाभार्थियों की संख्या पूरे जिले में करीब करीब नगण्य है। बहुत लोगों को इसका लाभ मिला ही नहीं है। पिछले 3-4 वर्षों में बहुत कम लोगों को इसका लाभ मिला है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जिसको लाभ मिला भी है उसको भी 25,000 से 35-40,000 रुपए तक भ्रष्टाचार घूस देना है, तभी आपको ये लाभ मिल सकता है। और ये जो 25 से 40 हजार रुपए की राशि है, ये जन प्रतिनिधियों और अफसरों में बट रही है। जन प्रतिनिधि जहां पर पैसा नहीं ले रहे, कुछ पंचायत में जहां मुखिया ईमानदार है पैसा नहीं ले रहा है, वहां पर भी 20 से 25 हजार की राशि को अफसर को तो देना ही देना है, और उसकी पूरी व्यवस्था बनी हुई है। नाम लिखने के लिए 1,000 रुपया, फोटो खींचकर भेजने के लिए 2,000 रुपया, पहले किस्त में 7,000 रुपया, ये पूरी व्यवस्था बनी हुई है। चौथी जो बड़ी योजना केंद्र सरकार की है वो है मनरेगा की। इसकी जमीनी हकीकत ने मुझे बड़ा आश्चर्यचकित किया है। जिस जिले में, जिस राज्य में इतनी बड़ी संख्या में लोग पलायन करते हैं मजदूरी के लिए, मेरी अपनी समझ थी कि जब मैं बिहार में पैदल चलूंगा तो हर गांव पंचायत में मुझे मनरेगा के सक्रिय काम दिखेंगे। अभी तक मुझे 15 महीनों में मनरेगा का कोई सक्रिय काम दिखा ही नहीं। रास्ते में लोग ये जरूर बताते हैं कि भैया ये पेड़ मनरेगा के तहत लगाया गया है, ये सड़क में मट्टी भराया गया है मनरेगा के तहत, या पंचायत भवन या आंगनवाड़ी सेंटर में मनरेगा के मजदूरों का उपयोग किया गया है, लेकिन मनरेगा का कोई सक्रिय काम होता नहीं दिखा। इसको जब मैंने आंकड़ों में देखा तो पता चला कि पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार सरकार का मनरेगा का यूटिलाइजेशन है 40%। मतलब अगर केंद्र से हम लोग 100 रुपया लेकर आ सकते थे मनरेगा में, तो 60 रुपया तो हम लोग लेकर आए ही नहीं। और जो 40 रुपया आया, मनरेगा में पीसी का दर है 40 से 50%, तो 40 रुपया में भी 20 रुपया 25 रुपया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। तो मिला जुलाकर 15 से 20 रुपया ही जमीन पर पहुंचा है। इसके अलावा जो राज्य सरकार की बड़ी योजनाएं हैं 5, 7 निश्चय के अंतर्गत जो बड़ी योजनाएं हैं, उसकी जमीनी हकीकत जो हम लोगों ने देखी, पहली योजना थी युवाओं को 1,000 रुपये सरकारी सहायता की। जितने बेरोजगार युवा हैं 18 साल से 35 साल के, उनको बिहार में प्रति माह 1,000 रुपया मिलने की बात कही गई है 2015 में। उस समय अनुमान था कि 12,000 करोड़ रुपया के आसपास अगर हर वर्ष खर्च किया जाए
तो 18 साल से 35 साल के किसी भी युवा को मजबूरी में मजदूरी करने नहीं जाना पड़ेगा, उसको 1000 रुपए की राशि दी जाए। अभी तक इस योजना को न शुरू किया गया, 8-9 वर्षों में न किसी को इसका लाभ मिला, न कोई इसकी चर्चा कर रहा है, न पत्रकार बंधु इस पर कोई सवाल करते हैं। दूसरी जो बड़ी योजना थी वो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की। उस समय यह अनुमान किया गया कि 12वीं से आगे बहुत बच्चे बिहार में इसलिए नहीं पढ़ाई कर पाते हैं क्योंकि उनके परिवार के पास पढ़ाने के पैसे नहीं हैं, मजबूरी में उनको मजदूरी करना पड़ता है। तो योजना ये बनाई गई कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए करीब करीब 1.25 करोड़ परिवार के लोगों को मदद दी जाए ताकि उनके बच्चे 12वीं के आगे पढ़ाई कर सकें और जब नौकरी मिल जाए तो वो पैसे को वापस करें। तो 1.25 करोड़ के अगेंस्ट पिछले 8-9 वर्षों में बिहार सरकार का अपना दावा है कि करीब 8.5 से 9 लाख लोगों को ही इसका फायदा मिला है। इस योजना को भी करीब करीब ठंडे बस्ते में ही डाल दिया गया है। तीसरी जो बड़ी योजना है जिसकी चर्चा आप लोग खूब करते हैं वो है नल जल योजना। बिहार में 25,000 करोड़ रुपये का अनुमान था 2015 में कि अगर 25,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाए तो हर घर में नल से पानी पहुंचा दिया जाएगा। 2015 में सिर्फ 3% घरों में ही नल से पानी पहुंचता था। इस योजना को लागू किया गया और जो इसकी जमीनी हकीकत है, सरकार का दावा है कि 2/3 से ज्यादा घरों में नल से पानी पहुंच गया है। मैं जो जमीन पर देख रहा हूं 2/3 से ज्यादा घरों में नल जल योजना कारगर नहीं है। या तो योजना बनी नहीं, या बनकर चली नहीं, या चली तो चलकर थोड़े दिन के बाद बंद हो गई। अभी जब बहुत हंगामा पिछले साल भर में शुरू हुआ है तो अब सरकार ने वार्ड सदस्यों से इसका मेंटेनेंस लेकर फिर पीएचईडी को दे दिया है। पीएचईडी ने जब से इन योजनाओं को लिया है तब से वो उसको देखने भी नहीं आए हैं। ज्यादातर वार्ड में लोगों ने बताया कि पीएचईडी वाले आए, उन्होंने कागज पर इसका हैंडओवर ले लिया, अभी तक उसको न देखने आए न रख रखाव के दिशा में उन्होंने कुछ काम किया है। चौथी जो सबसे बड़ी योजना थी जिसकी चर्चा थोड़ी बहुत होती है लेकिन 7 निश्चय की सबसे बड़ी योजना थी नाली गली पक्कीकरण की योजना। 2015 में यह अनुमान था कि 80,000 करोड़ रुपया अगर खर्च किया जाए तो 5 वर्षों में बिहार के हर घर के से निकलने वाले नाली का पक्कीकरण कर दिया जाएगा और उन नालियों को लाकर एक बड़े नाले से जोड़ा जाएगा ताकि बड़े नालों के जरिए पानी का निस्तारण गांव के बाहर किया जा सके। इस योजना को जमीन पर लागू किया गया लेकिन जमीन पर घरों के नालियों के पक्कीकरण की बात नहीं की गई। गांव में सड़क के किनारे बेतरतीब तरीके से बनाए हुए बड़े नाले हर जगह दिखते हैं जो ये बताता है कि योजना के नाम पर पैसा निकाला गया लेकिन उन नालों को ना घरों के नालियों से जोड़ा गया, न उन नालों से पानी के बाहर निकालने की व्यवस्था की गई। नतीजा ये हुआ है कि ज्यादातर ये नाले बड़े कूड़ेदान के तौर पर परिवर्तित हो गए हैं। लोग उस पर गोबर पाथ रहे हैं, भैंस बांध रहे हैं, कूड़ा करकट फेंक रहे हैं और करीब करीब सारे नाले बंद पड़े हुए हैं। इन 4 योजनाओं के बाद जो यहाँ पर 2 व्यवस्था है जिस पर मैं टिप्पणी करना चाहता हूँ, रोजगार कहाँ से मिल रहा है। रोजगार के 3 नए अवसर बिहार में देखने को मिले। पहला है शराब माफिया, दूसरा है बालू का अवैध कारोबार और तीसरा है जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में अनाज को पैसे में कन्वर्ट करना और पैसे को फिर अनाज में कन्वर्ट करना, इससे जुड़ा हुआ जो कारोबार है। हर गांव पंचायत में 5-10 लड़के 20 लड़के ऐसे मिल रहे हैं जो शराब के अवैध कारोबार से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से जब हम लोग रास्ते में चलते हैं अगर 10 ट्रक या ट्रॉली मिलता है तो 2 या 3 ट्रॉली उसमें वही है, ट्रक वही है जिस पर बालू अवैध तरीके से ढोया जा रहा है। और अनाज वाली जो बात है कि जो 5 किलो के बजाय 4 किलो अनाज मिल रहा है तो 1 किलो अनाज अफसर और जो जनप्रतिनिधि अनाज तो ले नहीं रहा है, वो पैसा ले रहा है। तो एक पूरी व्यवस्था अनाज माफिया की हर जिले में बन गई है जो इस अनाज को इकट्ठा करता है या गोदामों से जहां से जारी होता है वहीं से निकाल लेता है, उसको बेचता है, बेचकर पैसे में कन्वर्ट करता है और फिर उसी अनाज को उसी में रिसाइकल करके अगली बार भेजता है। तो ये 3 जो नए उद्योग नीतीश कुमार ने खड़े किए हैं इसमें
बड़ी संख्या में यहाँ लोगों को रोजगार मिल रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था पर मैंने कोई टिप्पणी नहीं की, इसलिए कि गांव देहात में जहां हम चले हैं पिछले 15 महीनों में, वहां CHC, PHC, रेफरल हॉस्पिटल का कोई नामो निशान है ही नहीं। अगर कोई व्यवस्था हो तो मैं बताऊं कि अच्छा है कि खराब है। मैं अनुमंडल और जिला के अस्पतालों में नहीं गया हूं, तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। लेकिन जहां तक ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की बात है, तो करीब करीब पूरी तरीके से जो यहाँ ग्रामीण चिकित्सक हैं, ये उन्हीं के कंधों पर है, या जो प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके हवाले ही ये पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था है। कहीं पर भी अभी तक मुझे कोई PHC, रेफरल हॉस्पिटल या सब सेंटर ऐसा नहीं मिला जहां बिल्डिंग है, डॉक्टर हैं, दवा है, रोगियों का भीड़ है, मरीजों का, ऐसा मुझे नहीं देखने को मिला। मोटे तौर पर जो एक जनरल उदासीनता है, मुझे ऐसा लगता है, अभी तक का मेरा अनुमान है जो आंकड़े मैं देख रहा हूं, 50% से ज्यादा लोग बिहार में करीब करीब इस बात को लेकर कन्विंस्ड हैं कि भैया बिहार में नया विकल्प, नया प्रयास होना चाहिए। क्या होना चाहिए उसको लेकर विवाद हो सकता है, लेकिन 50% से ज्यादा लोग, जिन जिलों में मैं गया हूं, उन्होंने ये माना कि भाई बिहार में RJD, JDU और भाजपा से तो ये सुधार होने वाला नहीं है, हम लोग की अगर स्थिति सुधरनी है तो कोई नया बेहतर प्रयास होना चाहिए। ये मेरा अभी तक का आकलन है।